अलैकुम नाजरीन, आज मैं अफ़गानी चिकन कोरमा आपको बताने जा रही हूँ। उसके लिए चाहिए 1 किलो चिकन, और हमारे मसाले हैं ये 1 चम्मच भुका हुआ मिर्चा, लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच कसूरी मेथी जिसे मैं बाद में भून कर क्रश करके डालूँगी, 1 चम्मच नमक, अदरक गार्लिक पेस्ट, और ये हमारे कुछ खड़े मसाले हैं गर्म मसाले जिसमें जौतरी, दालचीनी, छोटी इलायची और ये गोल मिर्च है, इसे मैंने कूट कर पहले से रखे हैं। और हमें चाहिए 250 ग्राम प्याज जिसे मैंने लाल करके रखे हैं, इसे बाद में इसे हम ग्राइंड करके डालेंगे। और ये हमारे 2 चम्मच खसखस है जिसे मैंने 2 घंटे पहले सोख करके रखे हैं, 1 चम्मच देसी घी है जिसे मैं बाद में बघार दूंगी बनाने के बाद, और ये हमारा ये नारियल मैंने क्रश करके रखे हैं, और ये हरी मिर्च, और ये 6-7 वाइट पेपर है, और 4-5 लौंग है जो मैं तेल में बघार दूंगी, और ये हमारा ताल मखाना है जो हम अपना जब पूरा इंग्रेडिएंट्स तैयार हो जाएगा तो ये देसी घी में हम बघार देंगे, और ये मेरा फ्रेश क्रीम है जो मैंने 1 प्याला लिया है, और 200 ग्राम दही, और ये तेल है जो हमें चाहिए। और अब उसके बाद इसमें हमको पीसना है हरी मिर्च, नारियल और दही और खसखस, हम मिलाकर अलग से पीस लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ कैसे बनाना है। देखिए व्यूअर्स, मैंने 2 चम्मच तेल डाले थे जो हमारे गरम हो गए हैं, तेल हमारा गरम हो गया है। अब इसमें हम वाइट पेपर और 3-4 लौंग डालेंगे, अब इसमें हम अपना चिकन डालेंगे, ये हमारा जब तक कलर चेंज नहीं हो जाता है हम इसे ऐसे, इसमें पहले नमक डाल देंगे, नमक, कुटा हुआ गरम मसाला, अब इसे ऐसे लो फ्लेम पे ढक के रख देते हैं जब तक हमारा कलर चेंज हो जाएगा, उसके बाद मैं बताती हूँ मसाला तैयार करना। इसे हम ढक देते हैं लो फ्लेम पे, अब और मसाला तैयार करना है, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। बस अब हमें कौन कौन से मसाले ग्राइंड करने हैं, ये खसखस जो मैंने 2 घंटे पहले सोख करके रखे हैं, उसका पानी मैंने गिरा दिया है, ये 8-10 हरी मिर्च है ये ले लेंगे, ये हमारा वो नारियल जो मैंने कश करके रखे थे वो ले लेंगे, और ये जो प्याज हमने लाल करके रखे थे ये डाल देंगे जार में, हम थोड़ा थोड़ा करके पीसेंगे, इसमें दही मिला लेंगे, पानी का जरूरत नहीं है इसमें, ये देखिए बस। अब इसे मैं ग्राइंड करके आपको दिखाती हूँ। देखिए ना व्यूअर्स, ये हमारा कलर देखिए कितना अच्छा चेंज हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर, ये कसूरी मेथी जो मैंने पहले से भून कर रखे हैं, इसे यूं ही हाथ से क्रश कर देंगे, ये देखिए, क्रश करके डाल देंगे,
अभी इसमें हम पानी नहीं डालेंगे, और ये मसाले जो मैंने आपको बताए थे ग्राइंड करना, वो मैंने ग्राइंड करके रखे हैं, इसे भी मिला देंगे। इसमें पानी हम बिल्कुल नहीं डालेंगे। अब इसी में इसे ऐसे मिला के दस से पंद्रह मिनट के लिए हम इसे ढक कर रख देंगे। इसे हम ढक देते हैं 15 मिनट के लिए। ये अब हम इसे खोल कर देखते हैं। ये देखिए कितना अच्छा टेक्सचर आया है हमारे अफगानी चिकन का। ये देखिए ये बिल्कुल भुन गया है, पानी हमने बिल्कुल नहीं डाले थे। अब इसमें हम ये 200 ग्राम फ्रेश क्रीम इसे डालेंगे। देखिए हमारा कितना खूबसूरत कलर आया। आप चाहें तो ऐसा सूखा भी रख सकते हैं भुना भुना, लेकिन हम इसमें थोड़ा ग्रेवी करेंगे, थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। पांच मिनट हम इसे ढक देते हैं। 5 मिनट के बाद हम इसमें बघार देंगे। देखिए व्यूवर्स, हमारा अफगानी चिकन बन के तैयार हो गया है। अब हम इसमें बघार देने के लिए गैस हम ऑफ कर देते हैं। अब इसमें बघार देंगे। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई ली है। गैस ऑन करते हैं, इसमें घी डालते हैं, देखिए घी हमारा गर्म हो गया है। अब इसमें हम दाल मखाना डालते हैं, इसको हल्का ब्राउन करते हैं। देखिए ये हमारा लाइट ब्राउन हो गया है। अब इसे हम बघार देते हैं, गैस बंद करते हैं। ये हमारा चिकन तैयार है, अफगानी चिकन। अब मैं इसे आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। उम्मीद है व्यूवर्स आपको हमारा ये अफगानी चिकन कोरमा पसंद आया होगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। इससे हमारी नई नई वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।